गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेजर, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, लेजर, न्यू चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 11। लेजर क्या होता है, लेजर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं लेजर का मतलब खाता बही। क्या बोलते हैं? खाता बही। आपने अपने बुजुर्गों से नाम सुना होगा, शायद नहीं भी सुना हो, जरूर नहीं। खाता बही, खाता का मतलब क्या होता है, अकाउंट, और बही किसको बोलते हैं, बुक को। यानी वो बुक जिसके अंदर सारे अकाउंट हो उसको हम क्या कहेंगे, लेजर। सपोज करो मेरे पास कोई बुक है, ठीक है, ये कोई बुक है और इसमें सारे अकाउंट हैं, तो सारे अकाउंट है तो यही बुक मेरे लिए क्या हो जाएगी, लेजर। जिस बुक के अंदर मैं जर्नल एंट्री करता हूं उस बुक को क्या कहूंगा, जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कहूंगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, किसको कहते हैं हम, जर्नल को। और लेजर को हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, या प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर जितने भी अकाउंट्स होते हैं सभी का रिकॉर्ड किसके अंदर मिलेगा, हमें लेजर के अंदर मिलेगा। यानी जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट्स किसके अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, लेजर के अंदर। जिस बुक के अंदर सारे अकाउंट हो उसी बुक को हम क्या कहेंगे, लेजर कहेंगे। समझ गए? अब जिन स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्री आती है, ठीक है, जर्नल एंट्री अच्छे से करनी आती है, जर्नल प्रिपेयर करना आता है, तो उनके लिए लेजर बहुत ही सिंपल है। यानी फर्स्ट कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अगर जर्नल एंट्री आती है तो लेजर फिर सिर्फ 2 मिनट्स का है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जो लेजर है वो जनरल एंट्रीज के बेस पर प्रिपेयर किया जाता है। किसके बेस पर? जनरल एंट्रीज के बेस पर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, लेजर। लेजर के बेस पर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। लेजर के बेस पर हम प्रिपेयर करेंगे फिर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या जाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम किसके बेस पर प्रिपेयर करेंगे, लेजर के बेस पर। अभी जो हम लेजर प्रिपेयर करेंगे वो किसके बेस पर प्रिपेयर करेंगे, जनरल एंट्री। यानी सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, क्लियर है? तो देखो किस तरीके से करेंगे, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं आपकी जनरल एंट्रीज का भी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें कुछ बैलेंसेज गिवन है, ये हमारे ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड है और बिल्डिंग का बैलेंस है। ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो आपको ओपनिंग एंट्री करनी आती है ना, ठीक है, बताया था मैंने लेक्चर में आपको। देखो कैश इन हैंड और डेट भी गिवन है, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 2020 अप्रैल 1 को। क्या है, कैश इन हैंड, हमारे पास कैश है तो कैंट हो जाएगी इसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट। ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, ये बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी है, प्रीवियस पीरियड से ट्रांसफर किया गया है। बिल्डिंग गिवन है तो हम क्या एंट्री कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना है, 50,000, ठीक है। तो और बाकी आगे हमें ट्रांजेक्शन गिवन है, डिपॉजिट इनटू बैंक, तो ये एक ट्रांजेक्शन है। तो हमें जो ओपनिंग आइटम्स थे वो 2 दे रखे थे, कैश इन हैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अगर कोई लाइबिलिटीज होती तो उसको हम क्रेडिट कर देते, लेकिन नहीं है, तो किसमें चला जाएगा, कैपिटल में, टू कैपिटल अकाउंट। आपको पता ना कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, और असेट्स माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है, यहाँ पे 0, लाइबिलिटी है ही नहीं, तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी 0 है, तो वही हमारे लिए कैपिटल हो जाएगी। टू कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 2,50,000। समझ गए स्टूडेंट्स, को डाउट किसी को? ये तो एक सिंपल जनरल एंट्री होगी, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हमने मनी डिपॉजिट करा दिया, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक रिसीवर है तो बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी स्टूडेंट्स, कितनी अमाउंट है, 70,000। डाउट किसी को? देखो नेक्स्ट नंबर 3, बोट गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया और कैसे परचेज किया, कैश में।
तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। और जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना? 5000। और क्या आ गया हमारे पास से, कैश टू कैश अकाउंट, कितना? 5000। ठीक है। पेड रेंट, पेड रेंट, या ये मान लेते हैं गुड्स सारी कैश कैश में ट्रांजेक्शन होगी, तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम लिख देता हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, और हमने उधार में परचेज किया तो क्या हो जाएगा, टू राम। ये आपको समझाने के लिए ऐसा किया, हम कैसे भी कर सकते थे लेकिन सारे ट्रांजेक्शन कैश में, तो इसलिए मैंने एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट मिलेगी, उधार मिलेगी। ठीक है। बोथ गुड्स फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 5000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 अप्रैल को क्या गिवन है, पेड रेंट, रेंट पे किया है तो क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना स्टूडेंट्स, 10000। रेंट को मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि रेंट एक एक्सपेंसिव है, और कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैश एक असेट है, वो हमारे पास से क्या है, जारी। ठीक है, आपने जनरल एंट्रीज में समझा होगा। ठीक है, मैं आपको सिंपली करा रहा हूं। पेड सैलरी टू राम, हमने राम को सैलरी दी, तो क्या राम को सैलरी हमने कोई उधार में दी है, नहीं ना, तो हम रिसीवर या गिवर को बीच में नहीं लेंगे, हम किसको करेंगे, सैलरी, सैलरी, सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसिव है, तो हम सैलरी को डेबिट करेंगे, कितना, 5000, एंड टू कैश अकाउंट, कितना, 5000। क्लियर है। तो ये हो गई स्टूडेंट्स जनरल एंट्री, कुछ समझाने के लिए, लेजर को समझाने के लिए कुछ जनरल एंट्रीज मैंने ले ली है। अब हमें लेजर प्रिपेयर करना है, लेजर किसके बेस पे प्रिपेयर करेंगे, जर्नल के बेस पे। तो लेजर क्या होता है, जिसमें सारे अकाउंट हो। देखो हमारे पास पहले किस चीज का नाम आया, कैश अकाउंट, तो जो भी नया नाम आ जाए उसी का अकाउंट आपने ओपन कर देना है। और अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, अकाउंट हम किस तरीके से क्या करेंगे स्टूडेंट से, प्रिपेयर करेंगे अकाउंट, कैसे ओपन किया जाएगा अकाउंट, देखो किस तरीके से जो अकाउंट है उसका फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाएगा, ये एक लेजर है। ठीक है, लेजर में सारे अकाउंट होंगे। पहले कैश का नाम आया तो हमने यहां पर प्रिपेयर कर दिया कैश अकाउंट, ऐसे कोई भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, ये मान लिया हमने क्या है, कैश अकाउंट। ये डेट का कॉलम होगा, ये अमाउंट का कॉलम होगा, और ये जर्नल फोलियो। जैसे हम लेजर के अंदर क्या प्रिपेयर करते थे, जर्नल के अंदर, यहाँ पे जो ये फोलियो होता है ये क्या होता है, लेजर फोलियो, यानी लेजर में किस पेज नंबर पर ये ट्रांजेक्शन गई, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन है जर्नल से किस पेज नंबर पर आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जर्नल फोलियो, JF, जर्नल फोलियो, यानी जर्नल से किस पेज नंबर पर आई, समझ गए। और जर्नल में क्या लिखेंगे, लेजर फोलियो, यानी लेजर में किस पेज नंबर पर गई, समझ गए। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे वही क्या, जनरल फोलियो, और ये डेट का फोलियो। इस तरीके से हम कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ये डेबिट, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पे डेट का कॉलम होगा, ये पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, JF, फोलियो मतलब पेज नंबर, जनरल का जो पेज नंबर है, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखोगे आप, और यहाँ पे इस तरीके से जितने भी अकाउंट होंगे वो इसी फॉर्मेट में क्या किए जाएंगे स्टूडेंट से, प्रिपेयर किए जाएंगे, समझ गए। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने रुपीज से डेबिट हो रहा है, 2 लाख से। तो देखो हर एक अकाउंट में जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो क्या होगी, डेबिट होगी, और जो राइट हैंड साइड होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो आपने जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन करो तो आपने ये देखना है कि वो अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये डेबिट हो रहा है ना कैश अकाउंट, और डेबिट साइड कौन सी है, ये। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 2020 अप्रैल 1 को। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड ये है ना, ठीक है। तो डेबिट ये साइड कौन सी है, ये डेबिट साइड है स्टूडेंट्स, और ये जो है ये क्या है,
क्रेडिट साइड है, समझ गए। यहां पे हमने डेट का कॉलम प्रिपेयर नहीं किया, तो यहां पे हम डेट का कॉलम एक प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी साइड है हमारी, क्रेडिट साइड है, और ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड, समझ गए। तो कैश डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 2 लाख रुपीज से, तो हम यहां पे कैश को डेबिट कर देंगे 2 लाख से। कोई डाउट किसी को, समझ गए। बिल्डिंग भी डेबिट हो रही है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश को डेबिट कर दिया, किससे, इसके अपोजिट में कौन है, क्रेडिट में कौन है, यानी इसके अपोजिट का मतलब क्रेडिट पे कौन है, क्रेडिट में कौन है, कैपिटल, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा था, कैश को डेबिट कर दिया, किससे, अपोजिट में कौन है, कैपिटल, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। अगर कैश क्रेडिट हो रहा होता तो कैश को क्रेडिट कर देते, फिर हम अपोजिट में किसको देखते, डेबिट आइटम को देखते कि डेबिट क्या, वो यहां पर लिखते, यहां पे हम टू में लिखेंगे, यहां पे हम किस में लिखेंगे, सारे ट्रांजेक्शन को बाई में लिखेंगे, क्लियर है। अब दूसरा क्या है, बिल्डिंग, दूसरा नाम क्या है हमारे पास, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या हो रही है, बिल्डिंग भी डेबिट हो रही है, तो बिल्डिंग का भी हम एक अकाउंट क्या कर देंगे, प्रिपेयर करेंगे, जो भी न्यू नेम आए उसी का क्या प्रिपेयर कर देना, आपने अकाउंट प्रिपेयर कर देना, सभी का अकाउंट इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, अमाउंट का, जनरल फोलियो, डेट, अमाउंट, जनरल फोलियो, डेट, इस तरीके से सारे जो अकाउंट है वो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। फिर कैपिटल का नेम आ रहा है, तो इसी तरीके से हम किसका अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे, कैपिटल का अकाउंट, समझ गए। सारे जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके से आपने क्या करने हैं, प्रिपेयर करने। तो बिल्डिंग क्या हो रही है, बिल्डिंग भी डेबिट हो रही है, तो बिल्डिंग की डेबिट साइड, तो बिल्डिंग को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 2000, डेट मेंशन कर देना स्टूडेंट्स, ठीक है। बिल्डिंग डेबिट हो रही है कितने से, 50,000 से, तो डेबिट साइड ये है, बिल्डिंग को हमने डेबिट कर दिया, किससे, कैपिटल से, तो यहां पर क्या कर देंगे, टू कैपिटल, ठीक है। ये कैपिटल जो अकाउंट है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर कर दिया, क्रेडिट साइड ये है, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, किससे, दो आइटम से क्रेडिट हो रहा है, कैश से और बिल्डिंग से, टोटल कितने से क्रेडिट हो रहा है, 2,50,000 से, तो कैश से तो 2 लाख से क्रेडिट हो रहा है, और बिल्डिंग से कितना, 50,000 से, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे 2020 अप्रैल फर्स्ट, यहां पे मेंशन कर देंगे डेट, और क्रेडिट कर देंगे 2 लाख से, तो किससे क्रेडिट हो रहा है, कैश से, और 50,000 से किससे क्रेडिट हो रहा है, बिल्डिंग से, तो हम यहां पर लिख देंगे बाई कैश अकाउंट 2 लाख, बाई बिल्डिंग अकाउंट 1,50,000, समझ गए। को डाउट किसी को, इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो एंट्री है उसकी पोस्टिंग करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब बैंक है, बैंक का अकाउंट हमने प्रिपेयर कर रखा है, नहीं प्रिपेयर कर रखा ना, तो हम बैंक का एक न्यू अकाउंट क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम बैंक का अकाउंट ओपन कर लेंगे, ठीक है। मैं डेट का कॉलम प्रिपेयर नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पेस नहीं है, डायरेक्ट कर रहा हूं। इसी तरीके से आपने सारे जो फॉर्मेट्स है वो क्या करने हैं, प्रिपेयर करने। सो डेबिट एंड क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड ये है, बैंक को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 70,000 से, किससे, अपोजिट में कौन है, कैश टू कैश अकाउंट, बैंक को डेबिट करना था, डेबिट कर दिया हमने। अब क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट ये है, ये क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 70,000 से, लेकिन किससे, अपोजिट में कौन है इसके, बैंक, तो हम यहाँ पे डेट भी मेंशन कर देंगे 2020 अप्रैल सेकंड की ट्रांजेक्शन है, क्या लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, ध्यान रखना कैश अकाउंट में ये नहीं लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट या टू कैश अकाउंट, जो वो है उस अकाउंट में वो नेम नहीं आएगा, जैसे कैश अकाउंट में कैश का नेम नहीं आएगा किधर, समझ गए। अपोजिट में जो है, किससे वो डेबिट हुआ, किससे वो क्रेडिट हुआ, वो आप मेंशन करोगे। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, किससे क्रेडिट हुआ भाई, किससे क्रेडिट हुआ, बैंक से। ये कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे क्रेडिट हो रहा है, बैंक से, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे किससे, बैंक से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैंक। क्रेडिट में जितने भी आइटम वो हम सब क्या लिखेंगे, बाई, और डेबिट में जो भी आइटम वो क्या लिखेंगे, टू से लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। अब क्या है नेक्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, हमने परचेज किया है, और किससे परचेज किया है, राम से, तो एक न्यू अकाउंट आ गया परचेज, तो इसका भी एक अकाउंट क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। अगर कोई अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है तो हम उसमें ट्रांजेक्शन कर देंगे, और अकाउंट नहीं है तो हम क्या कर देंगे,
न्यू अकाउंट स्टूडेंट्स वो हम क्या कर देंगे, प्रिपेयर कर देंगे। समझ गए? अगर हमारे पास कोई अकाउंट ऑलरेडी है तो उसमें क्या कर देंगे, हम सारी ट्रांजेक्शन कर देंगे। और अगर अकाउंट नहीं है हमारे पास तो उसके लिए हम न्यू अकाउंट क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। समझ गए? अब देखो इन्हीं के बेस पर हमें क्या प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। कर लोगे सारे ऐसे ही? ठीक है, स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। देखो कुछ और एक बता देता हूं, यही परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज का अकाउंट हम क्या कर देंगे, प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये परचेज का अकाउंट मैंने क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। परचेज क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, गुड्स क्या किया जा रहा है, परचेज हो रहा है। कौन परचेज कर रहा है, राम। तो हमने तो ये देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये हमने परचेज अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर देंगे 5000 से। डेट वगैरह मेंशन कर देना 2020 अप्रैल जो भी है। किससे क्रेडिट डेबिट हो रहा है, ये राम से, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू राम 5000। राम का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम राम का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। राम के अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। किससे, परचेज से, तो बाई परचेज अकाउंट। समझ गए? इस तरीके से आपने जो लेजर है वो क्या करना है, लास्ट में आपने क्या करना है, टोटल करना है। मान लो यही ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, तो यही ट्रांजेक्शन थी, तो हम क्या करेंगे, ये 2 लाख का टोटल आ रहा है इधर, तो इधर लिखेंगे 2 लाख। इधर का टोटल आ रहा है 70,000, तो 1,30,000 कम है, तो वो हम याद लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। कितना कम है, 1,30,000, यानी हमारे पास 2 लाख का कैश आया था, 2 लाख का कैश था या आया था, और उसमें से 70,000 का कैश गया, तो आज हमारे पास कितना बच गया, 1,30,000। इसी तरीके से सबका टोटल करेंगे, जैसे बिल्डिंग का बैलेंस 50,000 था और यहाँ पे हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं हुई, लास्ट में जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद आपने टोटलिंग करनी है, यहाँ पे हम बैलेंसिंग करेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। कैरी का मतलब था आगे लेके जाना, तो इस बैलेंस को फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड करेंगे स्टूडेंट्स। समझ गए? तो कितना दिया गया, 50,000। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट का हम टोटल करेंगे, कैपिटल अकाउंट का टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,50,000, और हम यहाँ पे शो करेंगे 2,50,000। इसका बैलेंस इधर लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये ज्यादा है, ठीक है 250, तो हम यहाँ पे 250। इसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो इधर लिखेंगे। समझ गए? इस तरीके से लास्ट में आपने क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। अब स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, इन्हीं के बेस पर आपको क्या प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का होता है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस अकाउंट का कितना बैलेंस है। समझ गए? कैश का कितना बैलेंस है, बिल्डिंग का कितना बैलेंस है, कैपिटल का कितना बैलेंस है, परचेज का कितना बैलेंस है, राम का कितना, यानी जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स का पर्टिकुलर हर एक अकाउंट का कितना कितना बैलेंस है, उस बैलेंस की एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और उस लिस्ट को हम क्या कहेंगे, ट्रायल बैलेंस। समझ गए? देखो ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये मान लो इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे डेबिट आइटम्स, यहां पे हम लिख देंगे क्रेडिट आइटम, और ये लेजर फोलियो, यानी लेजर में जिस पेज नंबर से वो आया है वहां पे लिखेंगे। यहां पे नेम ऑफ अकाउंट लिख देंगे, ठीक है, मैं इसको रब कर देता स्टूडेंट्स, यहां पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है। देखो यहां पे हम ट्रायल बैलेंस क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कैसे, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, लेजर फोलियो नंबर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, इस तरीके से हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे। यहां जो डेबिट अमाउंट है वो लिखेंगे, जो क्रेडिट है आइटम्स वो, लेजर फोलियो, नेम ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जितने भी हमारे जो अकाउंट्स हैं उनकी क्या करेंगे कि लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। देखो जैसे कैश है, कैश का डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो हमने यहाँ पे लिखा नंबर 1 कैश अकाउंट। तो कैश का कौन सा बैलेंस ज्यादा है स्टूडेंट्स,
डेबिट बैलेंस ज्यादा था ना 2 लाख, और फिर हमने यहाँ पे लिखा बाई बैलेंस कैरी डाउन, कितना ज्यादा था ये 1,30,000, कितना था 1,30,000। तो ये डेबिट में लिखेंगे हम 1,30,000, ठीक है। बिल्डिंग का भी कौन सा डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा था, बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना ज्यादा था 50,000, तो हम यहाँ पे बिल्डिंग का बैलेंस लिख देंगे, बिल्डिंग अकाउंट कितना 50,000, समझ गए। कैपिटल देखो, कैपिटल का हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था 250, तो इट मींस क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो क्रेडिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2,50,000। तो जो कैपिटल का बैलेंस है आपको पता भी है, ठीक है, कैपिटल का जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम कहां पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, कितना 2,50,000। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था कि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो असेट्स का हमेशा ही डेबिट बैलेंस ज्यादा आएगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसलिए हमेशा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आएगा, वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। एक्सपेंसेस जितने भी हैं उनका डेबिट बैलेंस होएगा, वो डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इनकम जितनी भी है उनका क्रेडिट बैलेंस होएगा, वो क्रेडिट में। और पर्सनल अकाउंट को या तो डेबिट का भी ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट भी। अगर डेबिट ज्यादा है तो इट मींस हमारे डेटर्स हैं, हमने उनका अकाउंट डेबिट कर रखा है, उनसे पैसा रिसीव करना है। और अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको हमने पैसा क्या करना है, पे करना है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, समझ गए। अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है किसी भी पर्सनल अकाउंट का तो वो हमारे लिए क्या है, डेटर है, वो हमारे लिए असेट्स है, वो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और किसी भी पर्सनल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हमारे लिए क्रेडिटर्स है, हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो उनको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से सारे बैलेंसेस को आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो हमारा जो टोटल है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। जितना हमारा डेबिट का टोटल आएगा उतना ही हमारा किस चीज का टोटल आएगा स्टूडेंट से, क्रेडिट का टोटल आएगा, समझ गए। तो हम जनरल के बेस पर, जनरल एंट्रीज के बेस पर क्या प्रिपेयर करेंगे, लेजर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। लेजर कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो भी न्यू नेम आ जाए उसी का अकाउंट आपने ओपन कर देना है। फॉर्मेट कैसे होगा, इस तरीके से हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट का कॉलम, फिर जो क्रेडिट साइड है उसकी डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो एंड अमाउंट का टोटल। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, समझ गए। जो भी न्यू नेम आ जाए उसी का अकाउंट आपने क्या कर देना है, ओपन कर देना है, क्लियर है। और इस जनरल के लेजर के बेस पर, लेजर के बेस पर हम क्या प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, लेजर के बेस पर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, समझ गए। ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे, जिस जिसका जो जो बैलेंस आ रहा है, जिस अकाउंट से जो भी बैलेंस आ रहा है, कैश अकाउंट से कितना बैलेंस आ रहा है हमारे पास, बिल्डिंग अकाउंट से कितना आ रहा है, कैपिटल अकाउंट से कितना, राम के अकाउंट से, मोहन के अकाउंट से, सैलरी अकाउंट से, रेंट अकाउंट से, जितना जितना जो जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस हम क्या कर देंगे, ट्रायल बैलेंस में पुट कर देंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे कि किस अकाउंट का कितना बैलेंस है, समझ गए। जितना डेबिट है उतना ही क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, हमारा टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, समझ गए। और इस ट्रायल बैलेंस के बेस पर, समझ गए, ट्रायल बैलेंस के बेस पर स्टूडेंट्स हम क्या प्रिपेयर करेंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, समझ गए। तो इसी ट्रायल बैलेंस के बेस पर क्या प्रिपेयर किया जाएगा, फाइनल जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर किए जाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी, समझ गए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका जो BRS है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद जो डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है वो करेंगे आपको, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।